गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. नोट डाउन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए. एंड अ क्वेश्चन मिस्टर ए is receiving basic salary 50,000 rupees per month at the rate 100% at the rate हाँ बोलिए. डियर ने चलाऊं फिर आप क्या बोलिए. आप बोलने देंगे तो सुनाई देगा ना. पहले आप लोग बोल लीजिए जी भर के उसके बाद में बोलती हूँ. पहले डाउट सी बोल दीजिए उसके बाद क्वेश्चन बताती हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. डियर ने चलाऊं एट द रेट 100% of basic salary full stop and is included in salary as per terms of employment full stop the company is providing HRA rupees 3000 per month which was increased to rupees 3500 per month with effect from 1st January 2021. Full stop. He is also getting an increment of ₹500 in his basic salary with effect from 1st February 2021. Rent paid by him during the previous year 2020-21 is as under first point likhi April and May 2020 April and May 2020 nil comma as he stayed with his parents full stop second point June to October 2020
एट द रुपीज 3,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन इन गाजियाबाद. Full stop. Third point. November 2020 to March 2021. Rupees 4,000 per month for an accommodation Full stop. He is also receiving the advance salary along with the bonus of rupees 24,000. Full stop. गुड आफ्टरनून मैम. ये ग्रीट करने का तरीका होता है किसी को पूरी क्लास डिस्टर्ब करके, मतलब 90 बच्चों को डिस्टर्ब करके तुम्हें गुड आफ्टरनून कहना है? मैम डिस्टर्ब कहाँ कर रहे हैं, हम तो विश कर रहे हैं आपको. करेंगे आपसे क्या दिक्कत है? तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल वागल हो, साइको. ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? गेट लॉस्ट. व्हाट आई वाज सेइंग, क्या बता रही थी मैं क्लास में? मैम अलोंग विद द बोनस ऑफ 24,000. या अलोंग विद द बोनस ऑफ रुपीस 24,000. फुल स्टॉप. Yeah, मैं बता रही थी. Yes, he is paying 300 rupees per month school fees kids. Full stop. एक चीज और लिख लीजिए फुल स्टॉप के बाद. ही इज पेइंग प्रोफेशनल टैक्स रुपीज 27,000. फुल स्टॉप. Calculate the salary of Mr. A for the previous year 2020-21. Okay. एक बार एक मिनट का पॉज लीजिए और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए. पूरा जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, एक मिनट का टाइम दीजिए और पढ़िए इसको ठीक से, एक एक लाइन. फिर मैं कुछ पूछती हूँ आपसे. पहले पढ़िए.
हो गया, रीड किया? यस मैम कर लिया। ओके सारे बच्चों ने? यस मैम। ओके स्टार्ट करिए क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। 621 No, I'm saying I'm ready in just 1 second. It's over. Okay, I'm done, ma'am. Thank you. I'm audible to all the students. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Around आप लोग 90 students हैं। ये बात इस क्वेश्चन से हटके बता रही हूँ। पहली बार मेरे दिमाग में बिठा लीजिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। जब लोग प्राइमरी स्कूल में होते हैं ना, तो टीचर्स आपको ABCD लिखवाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, कॉपीज में आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देन फिर आप सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, टीचर्स आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर देते हैं, अलग एक्टिविटी स्टार्ट। सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं, हर बच्चे का अपना स्पेशलाइजेशन एरिया बन चुका होता है, अपना इंटरेस्ट बन चुका होता है, सब्जेक्ट्स बन चुके होते हैं। आप ट्यूशन्स लगवा लेते हैं क्योंकि टीचर्स आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल, जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ टीचर्स की सैलरी बच्चों की फीस से आती है, लाइक MIT यूनिवर्सिटी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बच्चों को अक्सर कंप्लेंट रहती है कि टीचर्स लेक्चर्स नहीं लेते हैं। शायद आप लोगों को भी, आप लोग सेकेंड ईयर में ना, हाँ, तो शायद आप लोगों को भी फर्स्ट ईयर में रही हो कि सारे लेक्चर्स नहीं होते हैं, टीचर्स ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, एंड सो ऑन ब्ला ब्ला। तो ग्रेजुएशन लेवल में हम सिर्फ आपको गाइड करते हैं, हम आपको सिर्फ फॉर्मेट बताते हैं कि दिस इज द वे टू कंक्लूड, दिस इज द वे टू कैलकुलेट। उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे बुक में, एक करा दिया बात खत्म। फिर आप मास्टर डिग्री में जाते हैं, मास्टर डिग्री में आपका स्पेशलाइजेशन होता है और टीचर ऐसा हो सकता है कि और आपको करना पड़ता है उसी के हिसाब से। फिर आप PhD में जाते हैं, फिर आप टीचर को कॉल करते हैं और पूरे 5 साल में वो सिर्फ आपको 20 क्लासेस देता है, सिर्फ 20 क्लासेस, और आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है MPhil और PhD के बाद। तो ये कंप्लेंट का मुद्दा नहीं है, आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी इनकम टैक्स की मैम ने मुझे कभी नहीं पढ़ाया था, या मेरी कॉर्पोरेट लॉ की मैम ने, बिजनेस लॉ की, इसलिए मैं फेलियर इंसान हूँ अपनी जिंदगी में। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, एंड दीज डेज यू आर कंसिडर्ड एज द अंडर डेवलप्ड कंट्री, लाइक वी आर हैविंग कंपैरिजन विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड सो ऑन ब्ला ब्ला। हमारी इकोनॉमी इतनी गिर गई है, तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि टीचर ने नहीं पढ़ाया था, इसलिए आप फेलियर स्टूडेंट हैं, लाइफ में कुछ नहीं बन पाए। आपको ये कहना होगा कि टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, उसके बावजूद आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। अलग बात है COVID-19 के बच्चे, तुम लोगों को शायद वो फील नहीं आ पाएगी कॉलेज में कैसे क्लासेस होती है, लेकिन माइंड अपना चेंज करो। अगर मैंने रीड करने के लिए कह दिया तो रीड कर लिया, बात खत्म। एक एक वर्ड पढ़ रहे हो और फिर टाइम ले रहे हो, और या कोई बच्चा डाउट पर, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई कॉलेज में। एनीवेज क्लियर हो गया है बात आपको? आप yes, मुद्दे पे ध्यान दीजिए। आपको मुद्दा ये है कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करना है, सैलरी प्लस DA, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, देन उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, 54 अलाउंसेस आपके टिप्स पे होने चाहिए जो आपको ऐड करने हैं, अलग अलग एंट्रीज है, अलग अलग एग्जेम्पशंस है जो एग्जेम्पशंस आपको कैलकुलेट करने चाहिए, प्रोफेशनल टैक्स और कुछ डिडक्शंस माइनस होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुद्दे पे ध्यान दीजिए, टेक्निकली हर क्वेश्चन में मत अटक जाइए, 10% 20% वो 2-3 बार करेंगे हो जाएगा। 10 ईयर उठा के देख लीजिए, बहुत सॉल्यूशंस हैं, गूगल देख लीजिए। आगे सुनिए, सैलरी, योर सैलरी इज 5,000 rupees पर मंथ इन दिस क्वेश्चन। मिस्टर एज बेसिक सैलरी इज 5,000 rupees पर मंथ, बट उसके बाद लिखा ही इज आल्सो रिसीविंग इंक्रीमेंट ₹500 फ्रॉम 1st Feb 2021, राइट? राइट, यस मैम, यस मैम। इसका मतलब है कि इसकी बेसिक सैलरी
5000 रुपीस पर मंथ थी फेब तक, एंड फेब एंड मार्च टू मंथ इसकी सैलरी 5500 रुपीस थी, देन द सैलरी विल बिकम 5000 इनटू 10 प्लस 5500 इनटू 2, फेब एंड मार्च दो महीने की सैलरी 5500 कंसीडर होगी और बाकी 10 मंथ्स की सैलरी 5000 कंसीडर होगी, जो मल्टीप्लाई आ जाएगा दैट विल बी योर बेसिक सैलरी। क्लियर हो गया? यस मैम। अब लिखिए 5000 इंटू 10 प्लस 5500 इंटू 2 इक्वल टू बेसिक सैलरी, कितना अमाउंट आ जाएगा? एक्सक्यूज मी मैम। हां बेटा बोलो। प्लीज क्वेश्चन की स्टार्टिंग पर रिपीट कर दीजिए प्लीज मैम, बिकॉज़ जो बेसिक सैलरी, द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 5000 रुपीस पर मंथ बट द इंक्रीमेंट अपडेटेड एट 1st फेब 2021 which is rupees 500, to calculate the basic salary. Okay, ma'am, आपने अपने आप question नहीं लिखवाया है अभी। आपको question update हो गया ना, इस बात से आपको क्या मतलब है कि मैंने book से लिखवाया कि मैंने खुद लिखवाया कहीं थी? मेरा मतलब ये है कि आप जो पहले question लिखवा रहे थे उसमें शायद आपने starting करी थी Mr. is receiving basic salary 50,000 per month, dearness around 5,000 rupees per month. Okay, ma'am. Okay. Sorry, ma'am. तो आप फुल स्टॉप पे और कॉमा पे ध्यान दीजिए, और ऐसा हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो करवाया आपको इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इस बेसिक सैलरी इस 5000 रुपीस पर मंथ फुल स्टॉप, और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि इंक्रीमेंट उसको 500 रुपीस मिल रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है, लास्ट में लिखा है कि 500 रुपीस उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो इंक्रीमेंट बेसिक सैलरी पर ही मिल रहा है, इट्स ऑब्वियस, तो बेसिक सैलरी के टाइम पर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, ओके, एंड रिलैक्स, टेक इट इजी, सब्जेक्ट ही एक सिर्फ, जिंदगी नहीं है ये सब्जेक्ट। सैलरी 5000 प्लस 5500 इनटू 2 दैट विल बी योर बेसिक सैलरी। सारे बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितना अमाउंट आ जाएगा? 61,000। 107 आप बताइए। 61,000। ओके 61,000 लिखिए। देन अबाउट द डीएनएस अलाउंस लिखा हुआ है कि 100% ऑफ द सैलरी विल बी द डीएनएस अलाउंस ऑफ मिस्टर ए, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका डीएनएस अलाउंस आपको 100% मिल रहा है, दैट मींस जितनी बेसिक सैलरी है उतना ही डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, बट देयर इज अ लाइन, उसमें एक लाइन है दैट ओनली 50% ऑफ व्हिच इज इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, राइट मैम? राइट, यस मैम। लेकिन सिर्फ 50% जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो आप 61,000 का 50% कैलकुलेट करके एड कर देंगे एज अ डीए, और विद इन अ ब्रैकेट एक नोट जरूर लिखेंगे क्योंकि इन Only 50% is a part of employment benefit or the retirement benefit. That's why only 50% is included as the DNS allowance. Clear? Yes, ma'am. Yes. तो इसका 50% कितना आ जाएगा? 30,500. कितना आ जाएगा 61,000 का half? 30,500. एक सेकेंड बेटा, 529 आप बताइए। 30,500. ओके लिखिए। नेक्स्ट 529 यू आर पलक, राइट मॉम? 529 योर नेम इज पलक, राइट? यस मॉम। ओके नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज द कंपनी इज प्रोवाइडिंग हिम द एचआरए रुपीज 3000 पर मंथ, उसका हाउस रेंट अलाउंस इंक्रीज हो गया है 1st January से, दैट मींस उसको 9 months हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 3000 रुपीज, और 3500 उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है फॉर द 3 months, तो 3000 into 9
एंड 3500 इनटू 3, ये आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी दो कॉलम में. अब दो कॉलम बनाइए हाउस रेंट अलाउंस के वर्किंग्स में. एक लिखिए एचआरए फॉर 9 मंथ्स और नेक्स्ट लिखिए एचआरए फॉर 3 मंथ्स. बट नाउ इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी सिंपल चीज, वो रेंट कितना दे रहा है, रेंट के लिए एक चीज नहीं लिखी है कि वो रेंट 2000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा है 5000. उसमें रेंट की अलग अलग ट्रांजेक्शन है. फर्स्ट है कि वो अप्रैल मई में रेंट कितना दे रहा है, जून टू अक्टूबर में रेंट कितना पे कर रहा है और नवंबर में रेंट कितना पे कर रहा है. राइट मैम? यस मैम. ओके, तो अब आप 9 मंथ्स का जो रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें लिखिए एक्चुअली रिसीव्ड माइनस एक्चुअली रिसीव्ड स्लैश रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी स्लैश 50% or 40% ऑफ सैलरी. और सेकेंड एचआरए में भी यही लिखिए. एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड. दिल्ली एंड गाजियाबाद एंड नील. एचआरए के तीन कॉलम बनाइए क्योंकि एक्चुअली रेंट रिसीव्ड कैलकुलेट हो जाएगा. अब लिखिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लिखिए 3000 इनटू 9 प्लस 3500 इनटू 3, टोटल कितना आ जाएगा? 37,500 लिखिए. एक्चुअल रेंट रिसीव 37,500. Then actual rent minus actual rent received, rent paid in excess of 10% salary, 50% and 40% of salary. अब जगह दिल्ली, क्योंकि देखिए जून टू अक्टूबर वो जो है गाजियाबाद में रहा है एंड नवंबर टू मार्च जो है वो दिल्ली में रहा है. तो नवंबर जून टू अक्टूबर जो है वो आपका कैलकुलेट होगा 40% ऑफ सैलरी एंड नवंबर टू मार्च जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 50% ऑफ सैलरी और दोनों जो अमाउंट आ जाएंगे वो आपका ऐड हो जाएगा. क्लियर है? एंड स्टूडेंट्स जस्ट होल्ड ऑन, ये मैं आपको एंट्री करके भेज रही हूँ, ये स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, बच्चों को क्लियर नहीं होगा. एक सेकंड होल्ड करिए. एक सेकेंड. हाउस रेंट अलाउंस लिखिए अप्रैल एंड मई में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ना. अप्रैल मई में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ना. यस मैम. यस मैम. और कितने पैसे दे रहे हैं उन्हें और कितना रेंट शो किया इसने? नील. 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 ओके. और वहां पर रेंट कितना बन रहा है? 3000 बन रहा है ना 2 महीने का. यस मैम. अप्रैल और मई का 3000 बन रहा है ना रेंट. 3000 दे रहे हैं ना उस टाइम. अप्रैल मई में तो नील पे कर रहा है नील एंड मिल 2000 है. 3000 है मिल इसको. 3000 रहा है तो 6000 रुपए मिल रहे हैं इसको और ये पे कर रहा है जीरो फुली टैक्सेबल. फर्स्ट सेकंड जून टू अक्टूबर. जून टू अक्टूबर कितना पे कर रहा है ये? जून जुलाई अगस्त अक्टूबर 5 महीने. राइट 3000 पे कर रहा है. 3000 पर
3,000 × 5 कितना हो गया 15,000 और ये जून से अक्टूबर तक रहा पे कहाँ है? गाजियाबाद में रहा है ना। सैलरी कितनी है इसकी? बेसिक सैलरी 5,000 × 10 5,500 × 2 कितना आया था अमाउंट? 61,000 इसको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने रेंट मिल रहा है 3,000 के हिसाब से मिल रहा है। यस मैम। यस मैम। और ये पे कितना कर रहा है? ये लिखा है कि इन महीनों में पे कितना कर रहा है? मंथ ये लिखा है, क्वेश्चन में लिखवाया मैंने, द कंपनी इज गिविंग यू आचार्य 3,000 rupees पर मंथ एंड 3,500 डेल। मैम 3,000 पर मंथ एंड ही इज पेइंग 3,000 rupees पर मंथ एंड ही इज रिसीविंग द सेम अमाउंट 3,000 rupees पर मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। यस मैम। अच्छा मैं पूरी कैलकुलेशन करके नहीं भेज रही क्योंकि मैथ्स के लिए बिना कैलकुलेटर के मैं कर नहीं पाती है, सिस्टम पे नहीं आज मैं, ये मोबाइल पे, तो मैं आपको करके भेज रही हूँ, वो कैलकुलेशन खुद कर लेना। जून टू अक्टूबर कितने महीने बच गए और उसकी सैलरी कब, रेंट कितना इंक्रीज हुआ है 3,500 कब इंक्रीज हुआ है? जनवरी मैम 3,500 उसने जनवरी से दिया है, दैट मीन्स अक्टूबर नवम्बर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में कितना ले रहा है रेंट? 4,000 पर मंथ। नहीं 4,000 तो बेटा ये पे कर रहा है, 4,000 राइट मैम। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बुक में से थोड़ा मैंने चेंज किया है, इसको ध्यान से कर लेना। एक्चुअली रिसीट अगर एचआरए की एंट्री आती है 3 नंबर की तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और नवंबर दिसंबर में कहाँ रह रहा है? दिल्ली में रह रहा है? नवंबर दिसंबर दिल्ली में रह रहा है ना? यस मैम। अब बच गए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च में कितना रेंट ले रहा है ये? रिसीव कितना करा है? 3,500। पे कर रहा है 4,000। आई थिंक बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया स्टार्टिंग की क्लास में। आपको एक चेंज करना है इस क्वेश्चन में, हमने जल्दी में 61,000 हर जगह लिख दिया है, उसको चेंज करना है। मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, चेक करिए सारे बच्चे।
सेक्शन बी चेक करो. सेक्शन ए चेक करो. ओके क्लियर है सारे बच्चों को? दिख रहा है क्वेश्चन? विजिबल है? विजिबल है एंड मैम ऑडिबल है? यस मैम. ओके अब कोई भी बच्चा बीच में एक भी सवाल नहीं पूछेगा, चुपचाप सिर्फ सुनिए दो मिनट. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही आपको ये कह रहा है कि अप्रैल एंड मई में वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है और रेंट जो है जीरो पे कर रहा है, लेकिन रेंट रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो एक फ्रेश पेज पे लिखिए 6,000 रुपीज. लिखो कहीं पे जल्दी से, इसके एंट्री के अलावा लिखो 6,000 रुपीज. दैट मींस इस दो महीने उसने 3,000 रुपए रिसीव तो किया रेंट, लेकिन कहीं पे नहीं किया. तो 3,000 × 2 जो 6,000 रुपीज है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा. इसको कहीं फ्रेश पेज पे लिख दो 6,000, प्लस का साइन बनाओ और नेक्स्ट वेट करो. अब देन जून से अक्टूबर तक, क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, जून से अक्टूबर तक 5 महीने उसने रेंट रिसीव किया है 15,000 रुपीज. बोलिए क्लियर है? ओके 15,000 रुपीज एंड अ ट्रांजेक्शन, जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो ये शो करता है कि एक्चुअली रिसीव्ड माइनस एक्चुअली रिसीव्ड रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी. क्योंकि ये जून से अक्टूबर तक गाजियाबाद में रहा है, इसलिए हम 40% ऑफ सैलरी लेंगे. ठीक है? ठीक है, ठीक है. टेक योर टाइम, ध्यान से सुनिए. जून से अक्टूबर तक 5 महीने उसने रेंट रिसीव किया है 3,000 रुपए. तो 15,000 रुपए उसने टोटल रिसीव किया है. उसने रेंट पे कितना किया है? पे भी 3,000 ही किया है. अगर क्वेश्चन को देखेंगे आप तो 3,000 ही पे भी किया है, 3,000 उसे मिला है. तो एक्चुअल रेंट रिसीव 15,000 माइनस 15,000 रेंट पेड 3,000 × 5 माइनस 10% सैलरी 5 महीने की आएगी. 61,000 के हिसाब से 5 महीने की सैलरी लिखिएगा. ये मैंने गलत लिखा हुआ है जल्दीबाजी में. ठीक है? ठीक है. ओके मैम. 61,000 के हिसाब से 5 महीने की सैलरी कितनी बनेगी बताओ? कैलकुलेट करो. मैं इतना मैच करती नहीं हूँ, आप लोग जल्दी कैलकुलेट करके बताइए. मैम लाइक उसको वैसे तो 5,000 ही मिल रहे हैं एंड फरवरी मार्च में 5,500 मिल रहे हैं, तो 5,000 6 मंथ का. भगवान 447 म्यूट योरसेल्फ. 61,000 रुपीस आपकी एवरेज सैलरी है एक साल की. 5 महीने की सैलरी कितनी होगी? 12 महीने की 61,000 है, तो ये बताओ 25,000. एक सेकंड पलक, हाँ बोलो. मैम 25,417. ठीक है मैम, मैंने ऑलरेडी करके बताया 416. ठीक है, उसको 418 कर दीजिए. 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ 25,418 एंड 40% ऑफ 25,418. क्लियर? यस मैम. सारे बच्चों को क्लियर है? yes, अब लिखिए, अब लिखिए 15,000 माइनस 15,000 / रेंट पेड और एग्जैक्ट बताओ इसकी फिगर क्या आ रही है. एग्जैक्ट अमाउंट इसको कैलकुलेट करके बताओ सारे बच्चे. हुआ कैलकुलेट? नहीं कर पा रहे तो बताओ मैं करूं. बच्चे नहीं हो पा रहे तो बताओ मैं करूं क्या? यस मैम, थोड़ा सा बता दीजिए. ओके नहीं हो पा रहा है.
All right. एक भी बच्चा नहीं जो कर पा रहा है। मैम जो स्टार्शिप्स होते हैं उसमें सबसे छोटा अमाउंट आप कंसीडर करते हैं ना, राइट? हाँ, उसमें सबसे छोटा अमाउंट रखते हैं। मैम अकॉर्डिंग टू मी 4832 इज कमिंग अगर हम सबसे छोटा अमाउंट कंसीडर करते हैं। गुड, एटलीस्ट आपने कैलकुलेट किया, इट्स वेरी गुड। 8542 आ रहा है मेरा। 4833 कैलकुलेट करिए। 4832 आ रहा है। 4833 12,458 सबसे मिनिमम आ रहा है, 10,167 मिनिमम आ रहा है। फिफ्टीन थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड वन सिक्सटी वन सेवन किया है। यस मैम। जून के बाद क्या है? जून से अक्टूबर के बाद थर्ड क्या था आपका? नवंबर टू दिसंबर। इसमें चार कॉलम बने हैं ना।
रुद्र प्रताप सिंह, ये क्लास में एंट्री लेने का टाइम है? Excuse me, ma'am. Not excused, I'm doing something. $10,167 बन रही है 2 महीने की सैलरी? Yes, ma'am. आप लोगों की 2:30 बजे की क्लास किसके साथ है? मैम कॉर्पोरेट लॉ की है, रितिका मैम के साथ, पर आज आज छुट्टी है। कंपनी लॉ दोनों की रितिका मैम के साथ है? यस मैम। नो मैम हमारी नहीं है। नो मैम, नो मैम। एक बच्चों की रितिका मैम के साथ है, दूसरों की किसके साथ है? मैम नहीं है हमारी, किसी के साथ नहीं है। अच्छा, आपके किसी के साथ नहीं है, ओके। रितिका मैम को बता दीजिएगा वर्षा मैम की क्लास में थे, कोई इशू नहीं होगा। मैम मैम उन्होंने उन्होंने करा, उन्होंने मना करा। अच्छा जी, मैम आज पहली करी है उन्होंने, वैसे करती क्या? नहीं है मैम, आज पहली बार ही उन्होंने करी है, वैसे वो करती नहीं है कभी छुट्टी। अरे हाँ, इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, स्ट्रेस मत लीजिए। नहीं नहीं मैम। इस कॉलेज में जितने भी यंग कलीग हैं सारे मुझसे जूनियर हैं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं होगा। जनवरी टू मार्च उसकी सैलरी रिसीव कितनी की है उसने? 3,500 ना? यस मैम। और पे किया है 4,000 राइट मैम? यस मैम। 3,500 इंटू 3 कितना आ जाएगा? और 4,000 से 3 और दिल्ली में रह रहे ना जनवरी से मार्च तक? यस मैम। Mom, can I leave? Why? If you don't have any class, why you would want to leave? Ma'am, I want to go for vaccination. For vaccination? कहाँ पे करा रहे? Government hospital नहीं है ना? Ma'am, है ma'am, क्यों नहीं है? जहाँ vaccination कराने जा रहे हो, government hospital में जा रहे हो? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, 10 मिनट बात चले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Ma'am, number आ गया ma'am. महीने की सैलरी 15,250 है? यस मैम। यस मैम।
625 आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ₹25 आ रहा है लास्ट में। ₹25 आ रहा है। 7625 आ रहा। 2875। लास्ट ट्रेंड जनवरी टू मार्च ₹25 आ रहा है। बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ। नो मैम। 7625 टोटल हाउस रेंट अलाउंस 11,770 आ रहा है। 11,774 आ रहा है। यस मैम। इतनी पढ़ाई तो मैंने जब खुद इनकम टैक्स पढ़ा होगा तब नहीं लिखा होगा, जितने से ऑनलाइन क्लास में लिखना पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट देखिए। सारे बच्चे जरा स्क्रीनशॉट एक बार देखिए। दो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं अभी। मिले स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके अब देखिए, अप्रैल टू मई वो रेंट रिसीव कर रहा है ₹3,000, पे कर रहा है जीरो, तो पूरे 6,000 टैक्सेबल है। जून टू अक्टूबर 15,000 एंड पे भी सेम कर रहा है। देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी बिकॉज वो गाजियाबाद में रह रहा है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल आएगा 4,833। नवंबर टू दिसंबर रेंट रिसीव कर रहा है 3,000 एंड पे कर रहा है 4,000। इसकी पूरी कैलकुलेशन शो की है, टोटल आएगा 916। और जनवरी टू मार्च तीन महीने जो है वो रेंट रिसीव कर रहा है 3,500 और पे कर रहा है 4,000 थ्री मंथ्स में। और इसकी कैलकुलेशन क्या आएगा, लास्ट में ₹25 आ जाएगा टोटल आपका रेंट रिसीव। और ये फोर इन सबको ऐड कर देंगे अप्रैल टू मार्च तो आपका आ जाएगा 11,774 द हाउस रेंट अलाउंस विच इज टैक्सेबल। टैक्सेबल अमाउंट ये है और बेसिक सैलरी में डीए में आपका 11,774 ऐड होगा। क्लियर हो गया? Yes, किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। इससे टफ एचआर नहीं आ सकता किसी भी सेट में, ए बी सी डी चारों सेट में से। पूछिए मार्च में जो मंथ था उसमें अगर ये 7625 सबसे छोटा तो हमने वो वाला क्यों नहीं लिया? 7625 सबसे छोटा वही लिया है बेटा। 10,500 माइनस 7,000 अच्छा सॉरी मैंने गलत लिया, 10,475 नहीं 7,625 ही लेंगे मैंने, ठीक उसी पे लगा उसको माइनस करेंगे। मैम तो 2875 आएगा। ये मैथ्स की कैलकुलेशन है ठीक है। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई डाउट जो समझ में नहीं आ रहा है? मैम व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस रेंट फॉर जून टू अक्टूबर देन we will take total salary as the salary that Mr. Ray was getting in that day or
on the basis of average salary. No, only for the 5 months, January to March. Ma'am, actually, the increment here is given since February, just for 2 months. Listen to me. टोटल सैलरी 447 ने भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि 3000 रुपीस सैलरी है एंड 3500 रुपीस इंक्रीमेंट फ्रॉम जनवरी, राइट? 447 आपने पूछा था, राइट? यस मैम, मैंने ही पूछा था. ओके, इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं, बेसिक सैलरी 12 मंथ्स की, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड एजुकेशन अलाउंस, इन सारे अलाउंसेस के लिए, हाउसिंग अलाउंस के लिए, आपकी 12 मंथ्स की जो बेसिक सैलरी है वही सैलरी कंसिडर होगी और उसके हिसाब से आपको 2 मंथ्स की, 5 मंथ्स की, जहां पे भी जितनी सैलरी होगी वो सैलरी आप कंसीडर करेंगे. उसमें 3000 और 3500 या 5000 5500, वॉट एवर जो क्वेश्चन में है, वो सिर्फ बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए. रुपीज इज फॉर 12 मंथ्स एंड ऑन द एवरेज बेसिस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यू आर सपोज टू कैलकुलेट अदर अलाउंसेज. क्लियर है? Allowances. और कोई मिस्टेक है इसमें तो? कुछ ऐसी माइनर कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में किया तो चेक कर लेना. और कुछ डाउट है तो पूछिए. हाँ प्लीज आस्क आस्क. 389 पूछिए. आपका माइक प्रॉब्ली शायद काम नहीं कर रहा. यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. नो मैम, माय मिस्टेक. ओके, एनीवन एल्स? रुद्र प्रताप सिंह, व्हाई आर यू सो लेट? Rudra Pratap Singh, I'm asking to you. Okay, anyways. Ye question clear hai sabko? House rent allowance? Yes, ma'am, it's clear. Ab jo aapka house rent allowance aata hai, wo usko entry kya likhwai maine aapko question mein, ek bar bataiye zara, mujhe recall karaiye. Next entry kya likhwai maine aapko question mein? पलक आप भी म्यूट मत करिए, आप ऑन करिएगा. कोई और बच्चा बताओ. मैम बोनस 24000. 289 आप भी नहीं, आप भी नहीं. 389 आप बताइए. मैम ये इसके बाद वो है, ही इज आल्सो रिसीविंग एडवांस सैलरी अलोंग विद द बोनस ऑफ 24000 एंड बोनस ऑफ 24000 रुपीस. बोनस की ऐड करिए. बोनस फीस ऑफ हिज 3 किड्स. ओके, एंट्री लिखिए, वर्किंग में लिखिए. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. Exemption limit is 100 rupees for maximum up to 2 children. That means exemption limit जो है वो आपके पास है 100 rupees per month. Okay? Okay? Yes ma'am. Yes ma'am. तो 100 rupees into 12 per month है. Maximum up to 2 children into 2. That means दो बच्चों के लिए. अगर आप दो से ज्यादा बच्चे करते हैं तो एग्जेम्पशन लिमिट आपको नहीं मिलेंगी. एंड व्हाट ही इज पेइंग? ही इज पेइंग 300 रुपीज पर मंथ. तो 300 इंटू 12 ये पे कर रहा है इंटू फॉर 3 किड्स. तो 300 इंटू 12 इंटू 3 ही इज रिसीविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड पेइंग टू द स्कूल. और एग्जेम्पशन कितनी से मिलेगी? 100 रुपीज इंटू 12 फॉर 2. That means 300 into 12 into 3 minus 100 into 12 into 2. जो अमाउंट आ जाएगा, that is your children education allowance. इसको डिटेल में कल कराऊंगी, आज आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है? और जो अमाउंट आ जाएगा वो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऐड हो जाएगा. प्रोफेशनल टैक्स हमेशा हम पे करते हैं, अलग से पे करते हैं. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिडक्शन, लाइक डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U. डिडक्शंस आपकी माइनस होती हैं. जब ये सारा ताम झाम जो 54 अलाउंसेज आप कर पढ़ रहे हैं ना डेली एक एक, ये सारे अलाउंसेज ऐड हो जाते हैं तो लास्ट में डिडक्शंस माइनस होते हैं. मिस्टर ए सेड कि मैंने 1,50,000 रुपीज LIC में सबमिट किए हैं फॉर एंड 25,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80DD मैंने मेडिकल अलाउंस में सबमिट किए. मैंने अंडर सेक्शन 80CCF 10,000 रुपीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है. अंडर सेक्शन 80G मैंने 20,000 रुपीज किसी मंदिर में डोनेशन दिया है. तो मुझे
तक आपको बहुत सारे डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शंस आप इस टोटल में से जो आप 54 अलाउंसेस ऐड करते हैं इसमें से वो माइनस कर देते हैं, और फिर जो अमाउंट आता है वो अमाउंट होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सिर्फ एक हेड है ये इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम सैलरीज कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो ये डिडक्शन जब ही आप सारी चीजें लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 प्लस का साइन लगाते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, राइट? राइट, तो 54 के बाद, एक सेकंड सुनिए, 54 के बाद क्या करते हैं आप, एक लाइन का गैप देते हैं, दो लाइन का गैप देते हैं, सॉरी, दो लाइन के गैप के बाद आप लिखते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, और फिर डिडक्शंस की एंट्री करना शुरू करते हैं 1 2 3। 54 के बाद से अगेन से 5 या 7 डिडक्शंस होती है, उनका टोटल करते हैं और इस टोटल में से उस टोटल को माइनस करके लिख देते हैं, और वो जो दो लाइन का गैप है उसमें आप लिखते हैं माइनस प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16। क्लियर हुआ क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. ये प्रोफेशनल टैक्स और जितना भी ये पे कर रहा है उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? अब आपको याद क्या होना चाहिए, इनकम बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एडवांस सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्लस होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस, ये अलाउंसेस 9 अलाउंसेस याद कर लीजिए टिप्स पे, ठीक है? ओके मैम। रिपीट करिए पूरी क्लास, रिपीट करिए बेसिक सैलरी, रिपीट करिए पूरी क्लास, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस डीए प्लस बोनस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस कमीशन प्लस एडवांस सैलरी हाउस रेंट अलाउंस प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्लस स्टूडेंट एजुकेशन अलाउंस। अब जो आपका 15 नंबर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें क्या आता है, उसमें होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मतलब हाउस रेंट अलाउंस, होस्टल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और उसके बाद आपका आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। जो आपकी 8 एंट्रीज है वो सिर्फ यही है जो टिप्स पे मैं आपको स्टार्टिंग में करा रही हूँ, 15 में से एंट्रीज। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन जाते हैं, कल को इनकम सेक्शन 16 कैलकुलेट भी करते हैं, तो यही बेसिक चीजें हैं जो जनरली सबको मिलती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है, ठीक है? ओके, धन्यवाद, लॉग आउट करिए, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम अटेंडेंस स्क्रीन शॉट ले लिया, स्क्रीन शॉट ले Leave everyone.
Class is over. देखो ऐसे करो यहाँ पे जासूस बैठा हुआ हो सकता है ऐसे टाइम व्हाट जासूस हो सकता है कहीं आ गई क्लास इज ओवर यू मे लीव लॉग आउट नाउ क्लास शट डाउन नोट कीजिए